व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लैश हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। सो गाइस, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले वाले एपिसोड में हमने एक गैंग के एरिया में जाना पड़ा था और वहां पर जाकर मैंने उन गार्ड से बच कर उनकी गाड़ी में जो भी सामान था उनका फ़ोटो खींच के मैंने लेस्टर को भेजा था और उसके बाद हमने अपने हाइस्ट प्रेप के लिए कुछ ड्रिल्स भी चुराए थे। तो आज के इस वीडियो में हम अपने प्रेप को और कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो भी बाकी का मिशन है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तो मैं अपने आर्केड पर जाता हूँ और यहाँ से गाड़ी निकालने में बहुत तकलीफ़ होने वाली है क्योंकि मैं सीढ़ियों से कूदा कर यहाँ पर गाड़ी लेकर आया था, लेकिन देखता हूँ ले जा पाऊँगा या फिर नहीं। अरे कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता मैं ले जा पाऊँगा। ओ चढ़ गई, अच्छी बात है। तो सीधा चलता हूँ मैं अपने आर्केड पर सबसे पहले। रास्ता बहुत ही लंबा पड़ेगा तो पहाड़ पर से ही चढ़ा देता हूँ, आगे से एकदम इधर से आगे से चढ़ाऊँगा। ओके, ये ज़्यादा ठीक पड़ेगा। अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं, बच गए, नहीं तो अभी गाड़ी नहीं जाती। कोई बात नहीं, ये गाड़ी इतनी पावरफुल है ना कि कोई भी चट्टान आसानी से चढ़ जाती है, लेकिन पहाड़ पर जाते तो पता नहीं क्यों स्लिप होने लग जाती है। अरे ओके, तो ये रहा मेरा आर्केड और पसीना भी इतना आ रहा है मुझे, एसी बहुत स्लो है। कोई बात नहीं, तो ये रहा मेरा आर्केड और इसके अंदर जल्दी से चलता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा मिशन आज मैं करूँगा। ओके, इस समय ऑफिस में आ चुका हूँ और मेरे ऑफिस में लॉकर में कुछ पैसे पड़े, मतलब आज हमने कुछ आमदनी इकट्ठा की है, तो जाकर देखता हूँ कि कितने पैसे मिले हैं। एक बंडल नहीं हो तो अच्छा, उससे ज़्यादा हो तो अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे इनका मारे इतना महंगा। ये देखो वापस से $800 में क्या होता है, $1,000,000 का जो मैंने आर्केड खरीदा उसमें हर दिन का सिर्फ $800 मिलता है, इतना थोड़ी होता है यार। कोई बात नहीं, GTA हमारे साथ फेयर नहीं है। तो सीधा चलता हूँ अपने बेसमेंट के अंदर। मेरे बेसमेंट में एक वेपन का सेक्शन है, लेकिन उस वेपन को ख़रीदने के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा क्यों, मेरा खुद का आर्केड के अंदर भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो ये मेरे ओनरशिप ही किस काम की। तो जल्दी से जाकर पहले मैं ये बोर्ड को देखता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने राइफल, मतलब जो भी हमारा वेपन्स चुराने थे वो मैंने चुरा लिए थे, मैंने गाड़ियाँ भी चुरा ली थी, मैंने लेस्टर के लिए हैकिंग डिवाइस भी चुरा लिया था, उसके बाद मैंने वॉल्ट की कार्ड्स जो थे वो लास्ट वीडियो में चुरा लिए थे, पेट्रोल रूट्स भी लास्ट वीडियो में मैंने देख लिया था, और पावर ड्रिल्स मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, और ये जो सिक्योरिटी पास है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में चुरा लिए थे। अब मेरे कुल जो हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5 मिशन बचते हैं, जो कि ये डगन शिपमेंट्स, सिक्योरिटी इंटेल, इसको कैसे करना है वो मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो थर्मल चार्जेस है वो मुझे जो मिशन है वो करना है, वॉल्ट एक्सप्लोसिव्स भी मुझे लाने हैं, और ये जो रीइंफोर्स्ड आर्मर है वो भी मुझे देखना है। तो आज मैं जाकर ये डगन शिपमेंट्स करूँगा। हेलीकॉप्टर चलाने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज ये ट्राई करूँगा मैं। अरे यार, ये बोलता ही रहता है लेस्टर। ओके, तो मतलब हमें चुराने नहीं है, हमें डिस्ट्रॉय करने। ओ शिट, इतने सारे, वो भी 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। सबसे पास वाला कौन सा है वो देखता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वेपन्स भी खरीदने पड़ेगा, जैसे कि बॉम्ब्स खरीदना पड़ेगा। ओके, ये क्या है, शिपमेंट। ओके, वो शिप से आ रहे हैं, समझ आ गया मुझे। तो मुझे कैसे करना है, मैं सबसे पहले ग्रेनेड वेपन्स देख लेता हूँ कितने मेरे पास। ये फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ग्रेनेड होमिंग लॉन्चर भी मेरे पास फुल पड़े हैं, तो मुझे एक भी वेपन की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओह शिट, 2.42 किलोमीटर्स। ओके, कुछ भी बता रहा है इसमें तो, लेकिन मैं, ये आर्मी का ट्रक वापस से खड़ा है इस एरिया में, पता नहीं उनको हमारे पर शक हो गया कि हमको जैसे इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए शायद रखा है, या फिर पता नहीं कि इधर कोई बेस हो आसपास में। बेस तो इधर से 5-6 किलोमीटर दूर है, लेकिन पता नहीं। ओके, तो जो शिपमेंट है वो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से मुझे मेरा घर भी इधर आ चुका है, लेकिन मुझे इधर से नीचे उतरना है। ओह शिट, ओके, तो मैंने परफेक्ट लैंडिंग की, और जो मुझे शिपमेंट है वो यहाँ से दिख तो नहीं रहा। ओह शिट, ये ब्रिज टूटा हुआ था। अरे कोई बात नहीं, चलता हूँ यहाँ से मैं फटाफट, इससे पहले कि वो लोग उतार दे। ओके,
तो ये लोग क्या घूम ही रहे हैं क्या कब के? मैं यहाँ से होमिंग लॉन्चर ही मार देता हूँ उनको, यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे यार चुप गए ये लोग। अरे बच गया। अरे ओ मुझे गाड़ी लेकर ही जाना पड़ेगा, मैं गाड़ी लेकर ही चलता हूँ फटाफट से, और जो भी उस पर खड़ा होगा उसको मैं मार देता हूँ। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, 2 मिनट मैंने टाइम पास में उड़ा दिए ऑलरेडी, और भागना पड़ेगा। ओह शिट, ये यार कोई बात नहीं, मेरे पास फास्ट ये गाड़ी थोड़ी फास्ट बना देते ये लोग तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं अभी चलता है सब। मेरे पास तो एक्चुअली कोई भी बोट भी नहीं है तो मुझे पूरा घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई जेट्स की होती तो वो भी मैं चला लेता, लेकिन क्या करें अभी गरीब इंसान है हम, मतलब इतने भी गरीब नहीं है। लेकिन शिप कौन खरीदता है GTA में? GTA में सब महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं। ओह शिट, ए मेरी गाड़ी गई। अब मुझे इसके मोटे पैसे देने पड़ेंगे इंश्योरेंस के लिए। अब मैं क्या, देखो ये आ गया, अब मैं क्या करूँ यार, इनको उड़ाऊँ कैसे? मेरे पास स्नाइपर है लेकिन मुझे अब वो दिख भी नहीं रहा। ओह वो रहा। अरे यार मेरी गाड़ी, एक तो यार मुझे वहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ अब? रास्ता भी कितना दूर है, हाईवे 10 रिमेनिंग है, 7 मिनट बचे हुए, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। वाई व्हाट द हेल। अरे मैं पहले इंश्योरेंस को फ़ोन कर लेता हूँ। इंश्योरेंस को फ़ोन, ओके तो जो मेरी गाड़ी है वो मुझे अवेलेबल हो गई है, लेकिन मुझे अभी वो गाड़ी मेरी मंगवानी पड़ेगी। यार मैकेनिक भी हमारी गाड़ी लाने के लिए तैयार नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी गाड़ी गायब हो चुकी है, यहाँ पर रास्ते में एक गाड़ी आ रही है वहाँ से, ओके तो यही गाड़ी चुरानी पड़ेगी आई गेस, कोई बात नहीं। अबे निकल, हाँ तेरा जीजस, लेकिन आज तेरे जीजस बचाने नहीं आने वाले, इसलिए सॉरी। अरे मेरे को कोई बात नहीं, जाने देते अभी टाइम कम है। क्यों यार? ओके तो यहाँ पर एक सबसे पास वाला शिपमेंट है मेरे पास में, तो फिलहाल तो वहाँ पर जाकर इनकी बैंड बजाता हूँ मैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ओश ओके, अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ तेरे को तो बस बोलना ही है, मेरे को करना है, बोलता रहता है कमान कमान, अभी कुछ सुन लेगा मौका, कोई बात नहीं। तो ये गाड़ी चेंज करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो शॉर्टकट ही ले लेता हूँ, लेकिन शॉर्टकट लेने के लिए गाड़ी ठीक नहीं है। अरे यार उसकी माँ का आशीर्वाद लेना पड़ेगा आज तो, एक भी ठीक गाड़ी नहीं है यार ये। मेरी अभी बुलेट प्रूफ कार होती तो मैं चढ़ जाता आराम से, लेकिन कोई बात नहीं अभी नहीं है तो क्या करेंगे। अरे यार ओके तो एक ये रहा, ये रास्ते से जा रहा है, मेरे इतने पास आ गए तुम। ओके तो स्टिकी बम मेरा, मैं आसानी से उड़ा सकता हूँ इसे। ये अरे कुछ भी नहीं हुआ, अरे यार एम कर, मैं उड़ा ही देता हूँ उसको। ओके एक गया। ओ शिट मेरी हेल्थ, कोई बात नहीं हट, मेरे को अब तुम्हारा कुछ काम नहीं है। मैं कभी फास्ट गाड़ी जो अगर आगे वाइपर जा रही है मैं उसे, ओ ये रही दूसरी हमारे सामने ही है, वाह भगवान हमें छप्पर फाड़ के दे रहा है आज। ओ अड़ी आ रेट ला दे हमारे लिए, खुद इसने यहाँ पर आकर ठोक दी। अरे यार मेरी हेल्थ, अब भागना पड़ेगा मुझे, ये क्या यूटर्न मार रहा है, इनसे दूर जाना पड़ेगा, ये जो दो बंदे यहाँ पर फिर रहे हैं उनसे।
स्टिकी बॉम्ब, स्टिकी बॉम्ब थोड़ा दूर जाके करता हूँ। ओके बॉम्ब लगा दिया है मैंने, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मुझे उड़ाना पड़ेगा इससे पहले कि वहाँ के लोग बाहर आए। ओके ये भी एकदम ओके, तो एक आगे के वाले रास्ते पे ही है। ये कौन मार रहा है मुझे? कोई बात नहीं, अब वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकती क्योंकि मैं उनसे दूर चला गया हूँ। मेरे पास 2 मिनट बचे और मैंने अभी तक मैं सिर्फ 2 ही शिपमेंट्स डिस्ट्रॉय किए हैं। ऐसा क्यों? लेकिन कोई बात नहीं, 10 मिनट हमें लेस्टर ने क्यों दिए? वो गधा है एक नंबर का, बुद्धि है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन ओके, तो दूसरा शिपमेंट कितनी दूर है मुझे देखना पड़ेगा। ओ शिट, तो सबसे पास वाले के पास ही जाना। ओके इधर ही है तो चलेगा। ये शायद से वही है मैंने जो उड़ाने की कोशिश कर रहा था अपनी बुलेट प्रूफ कार के साथ। वो फटाफट जाना पड़ेगा नहीं तो। ओके सिर्फ 1.5 मिनट बचा है और ये गाड़ी, ये जो हल्की गाड़ी होती है वो स्लिप होती रहती है, यही प्रॉब्लम है इनका। ओके तो मैं यहीं से होमिंग लॉन्चर अगर मारूँ तो मार सकता, मारता हूँ तो हो जाएगा। ओके इट्स एनाफ। अरे कुछ भी नहीं हुआ। ओके क्या बिगाड़ेंगे मेरा? वो भागता भागता आ रहा है तो क्या उखाड़ लेगा अबे मेरा। अब मुझे फटाफट सबसे पास वाला जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा, जो कि ये है, जहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। ट्राई करता हूँ हो जाए तो ठीक, वरना 3 तो उड़ाए दिए हैं उनके पास वेपन। जितने हम 10 से 10 उड़ा के देंगे तो फिर उनके पास कोई वेपन नहीं होगा। ओके तो मेरे पास अभी सिर्फ 1.5 मिनट है, 45 सेकेंड्स और काफ़ी दूर जाना है। मुझे लगा यहीं पर था। R8 चल भगा ले, तू कितना भाग सकती है उतना भाग ले आज। ये R8 ही है ना, मुझे पता नहीं, ये शायद ऑडी TT लग रही है मुझे, ऑडी TT। अरे यार 30 सेकेंड ही बचे हैं इसकी भैंस की आँख। लेकिन यार आज क्यों ये लोग हैं ना, वाटर वेज ट्रांसपोर्ट पर है इसलिए इतनी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं ये लोग, नहीं तो रास्ते एकदम स्ट्रेट बनाए नहीं है। ओके 7 सेकेंड, अब मैं इनका कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। 3 शिपमेंट्स जो है वो मैंने बर्बाद किए हैं। अरे यार ख़त्म। अरे किस्मत इतनी फूटी हुई है मेरी, कोई बात नहीं, चलता हूँ सीधे अपने आर्केड पर। ओ मतलब वो लोग कैसीनो पर ज़्यादा वेपन होंगे, मुझे लगा वो लोग अपने आर्केड पर हमला करेंगे और ये गाड़ी। तो कोई बात नहीं गाइस, तो 3 ही काफ़ी, लेकिन कोई बात नहीं। अरे मैं अपनी गन। ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी, अरे यार डॉम मेरा कैरेक्टर आज बोल नहीं रहा तो मैं इसको बोलूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, नहीं तो आपके घर पे आके आपको मारूंगा, नहीं मजाक कर रहा हूँ, दबा देना। और हाँ आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके बाय, गुड बाय, सॉरी।